जिसमें 27 स्टेट का नाम आया और उसमें भारत के दिल्ली और दिल्ली के बाद पटना इकोनॉमिकल आर्थिक स्तर पर बढ़ने की कल्पना की गई। 26 साल पहले लगभग पटना के महानगर निगम का जो बजट है वो 864 करोड़ का है और 234 करोड़ रुपया हर साल पटना में खर्च होता है, लेकिन 1100 टन कचरा डेली निकलता है। 54.4% गंदगी और कचरा सड़कों पर और घर के आगे रहता है, उसको कभी डंप नहीं किया गया। इस 30 सालों के अंदर 464 नाला लगभग पक्की है जिसमें आधा डंप है, लेकिन आरा की जनता को क्या मतलब इस कचरे से, इस जिंदगी से, इस डेंगू से मरने वाले जो लगभग 24-25 लोग मर गए, आज आरा के एक सिपाही मर गया, इससे किसी के जीवन और सेहत पर असर नहीं पड़ता। तो जब हम गोवर्धन पूजा में आए तो हमको यह समझना जरूरी है कि हम पानी की इज्जत करेंगे। जिस देश ने नदी को नदी समझा वह तो अपनी जिंदगी बनाई, वह खूबसूरती उसकी आप दुनिया में देख लीजिए, चाहे स्विट्जरलैंड हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, लंदन हो, जापान हो, जिस कंट्री में आप जाएंगे दुनिया जन्नत में है, मॉरिशस हो, लेकिन जिस देश ने नदी को, गंगा को भगवान मान ली, उस देश के नर्क की स्थिति आप देखिए। आज 40 जिला बाढ़ में होता है, दुनिया का सबसे बड़ी नदी दो, चीन का वांगो और भारत का कोसी, ये दुनिया के इतिहास को मिटाने की क्षमता रखता है। कोसी, महानंदा, कमला, गंडा, पुनपुन, सोन, गंगा, केहर, कनहर, भूथी बलान, बलान, 16-17 नदियां बिहार की हमारी जिंदगी नासूर बना दी। अब कहीं लिखा हुआ नहीं है, हमारे ईश्वर ने, ईस्ट ने, सभी धर्मों ने पानी की इज्जत करने कहा, लेकिन अब हम को कभी नहीं कहा कृष्ण ने कि पीपल और कदम में अंतर कर लो। नेचर जब इस धरती पर सृष्टि के सम्मान के लिए उतारा गया था तो वह मनुष्य के अस्तित्व की उसकी सबकी वैल्यू थी, सबका महत्व था इस दुनिया में, चाहे धूप हो। पहले दवाई नहीं थी, विज्ञान नहीं था, तो हमको कुछ करता था तो धूप को पीस के लगा लेते थे, मिट्टी, चिकनी मिट्टी हमारा साबुन बनता था, बांस सबसे गर्म होता है, नीम सबसे ठंडा होता है। आप डायबिटीज के लिए आज भी आप वो उजला और कौन फूल होता है जो जंगल जाकर लगा देता है तो कहीं मिलता, आपको खा लेते हैं आप लोग। तो आप सोचिए चीजें ही, या कई सारे फूलें होती हैं जीवन में, जिन चीजों को नेचर ने बनाया, परमात्मा ने रचना की, उसका सबसे बड़ा मूल्यवान सवाल है मनुष्य के साथ। मेढक क्यों बनी? मेढक इसलिए बना कि वो पानी की गंदगी को एब्जॉर्ब करता था और मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा करता था। बोगला और सांप क्यों बना? ताकि मनुष्य के अस्तित्व के लिए मेढक इतना नहीं हो जाए कि उसको कोई हमारे लिए अस्तित्व पर संकट आ जाए तो उसको एब्जॉर्ब करता था। अब सांप और बोगला या गंदगी को जब हम घर के बाहर फेंकते थे तो उसके लिए बाघ, चील, गिद्ध वो उसको एब्जॉर्ब करता था ताकि मनुष्य के अस्तित्व पर कोई संकट ना आए। तो ये जो बैलेंस है, कृष्ण ने बैलेंस किया। गोवर्धन का मतलब साफ था कि मनुष्य की सुरक्षा, मनुष्य का हित, मनुष्य का कल्याण। अब कृष्ण ने तो जमुना में डुबकी मार के नाग का वध करके निकला तो बड़ा देवकी को पागलपन हो गया, कह रहे क्या कर दिया कृष्ण ने। तो कृष्ण तो मनुष्य की रचना के लिए जमुना में नाग का भी वध किया था और आप नाग पंचमी भी करते हैं तो कृष्ण की भी पूजा करते हैं, नाग पंचमी भी करते हैं। आप शिव को भी मानते हैं जो प्रथम गुरु थे 12,000 वर्ष पहले, 12,500 वर्ष पहले हम लोग के जीवन में एक प्रथम गुरु के रूप में जो मानव का निर्माण किया, जिसने जीवन जीने की पद्धति दी, वसुधैव कुटुम्बकम का एक रास्ता दिया, शिव ने एक परंपरा दी, उसने तीनों काव्यों की कन्या से विवाह किया, जो सबसे अंतिम पत्नी थी शक्ति, उसके पति ने शिव का अनादर किया था। क्यों किया था? तो उस हवन के चलते। हवन की शुरुआत कब हुई? इस देश में और दुनिया में डर के कारण भी लोगों ने भगवान मान लिया और आवश्यकता के कारण भी लोगों ने ईश्वर को मान लिया।
ईश्वर को मानने की कल्पना कुछ नहीं थी। आदि काल में मनुष्य सबका सबसे ज्यादा डर किससे था? अब ये बात आपको यूथ के गले नहीं उतरेगा। यूथ को क्या चाहिए? पबजी, इंस्टाग्राम, उसको चाहिए टिकटॉक, उसको चाहिए आई लव यू, उसको 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 नहीं पता दुनिया के बारे में वो कितना खतरनाक खेल समाज के साथ खेल रहा है। उसको इस बात का पता नहीं है वो किस परिस्थिति में जीता है। जब मैं 21 दिन 22 दिन पटना में, पहले हम तो बाढ़ को हम आज से नहीं देखे हैं, हम 40 सालों से जब 38 जिला लगातार छपरा से लेकर के बेतिया मोतिहारी दुनिया डूबी रहती है, जब कोसी त्रासदी आई थी तो हम 4 करोड़ रुपया भाई चेक मनमोहन सिंह को दिए थे और पप्पू यादव और रंजीत रंजन आज तक तनख्वाह नहीं उठाया, सरकार का और आपका पैसा नहीं दिया। आज तक हमने नहीं जाना कि पैसा क्या होता है सरकार की। आज नहीं, जब 2001 में भूज में भूकंप आया था, जब हम भूज गए गुजरात तो वहां के स्पीकर ने लिखा, हम 3 ट्रेन सामान लेके गए थे, वहां के स्पीकर ने लिखा पिता का लाश बेटा नहीं उठा रहा था, बेटा का लाश पिता नहीं सर गया था, 3 दिन 3 रात हम लाश उठाते उठाते अपने जीवन को लगाए थे। तो उसने लिखा कि यह सेवा जो देखने को मिली, यह ऐसा नहीं है कि पटना का पानी हमने कहा आ जाओ और मैं 3 किलोमीटर पर मुख्यमंत्री राजेंद्र नगर में सुशील मोदी, 15 साल विपक्ष और 15 साल उप मुख्यमंत्री, उसी पर्दे के भीतर 3 दिनों तक हम लोगों को बचाते रहे और सुशील मोदी जी का पर्दा लगा रहा, और जब वो निकले तो अपनी बीवी और बहन के साथ फोटो छपी, एक बच्चा चिल्लाता रहा कि अंकल मुझे बचा लो, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मेरी बहन बीमार है, उसने देखा तक नहीं। अंत में एक उनके हाथ में बोतल था, वो वीडियो वायरल हुआ, बच्चों के लिए पानी मांगा, उन्होंने पानी तक नहीं दिया। नेताओं का कैरेक्टर जीवन का यही होता है, इसको समझ लीजिए, कोई सुशील मोदी का कैरेक्टर नहीं है, ये लगभग नेताओं का कैरेक्टर है। इंसानियत के सवाल पर 6 दिन उसके घर में पप्पू यादव को खाना पहुंचाना पड़ा उसके गार्ड को। हमें कोई शौक नहीं था किंग महेंद्र अरबपति, आरके सिन्हा भाजपा का सांसद खरबपति, इतने बड़े बड़े अरबपति, खेतान मार्केट राजेंद्र नगर में पप्पू एक साधारण आदमी जिसको 21 दिन क्यों जरूरत नहीं थी, 7 लाख पानी, 4.5 लाख दूध, 11.5 लाख बिस्कुट और पाव रोटी, 3.5 लाख सैनिटाइजर, 3.5-4 लाख मॉस्किटो, लगभग इसी तरीके से 2.5-3 लाख खाना, न जाने कितनी बोरा चूड़ा लंदन से लोग आए, उन्होंने कहा मुझे सरकार से नहीं मिलनी है, सिर्फ पप्पू यादव से मिलने हम लोग आए हैं, उनकी मदद। तो दुनिया से कितने लोग आए, सबने सरकार को नकारा। तो जो बात आप आज इस मंच से